स्वागत करता हूँ आप सभी का मेरे चैनल लर्न विद टेक्स में। तो आज हम बात करने वाले हैं सी लैंग्वेज के बारे में। बेसिकली मैं आज आपको बताऊंगा कि सी लैंग्वेज क्या है, उसके यूज क्या क्या है, एप्लीकेशन क्या क्या है, और उसके सीखने के बाद हमारे पास करियर अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हो सकती हैं। तो आइए चलिए देखते हैं। तो आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। तो बेसिक डिटेल्स मैं आपको देना चाहूंगा। क्या ये चार चीजें आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट इज सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या है, व्हाई टू लर्न सी लैंग्वेज, हमें सी लैंग्वेज क्यों सीखनी चाहिए, व्हाट इज द यूज और इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज, सी इम्पोर्टेंस का क्या यूज इंडस्ट्री में या फिर क्या महत्व है उसका, और व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गो फॉर आफ्टर लर्निंग सी लैंग्वेज, और भविष्य में आप क्या जॉब्स हैं जो देख सकते हैं सी लैंग्वेज को देखने के बाद, या अपना करियर कैसे बना सकते हैं सी लैंग्वेज को सीखने के बाद। तो आइए चलिए करते हैं शुरू। तो पहला जो क्वेश्चन था हम उसी से शुरुआत करेंगे, और बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है कि व्हाट इज सी लैंग्वेज। तो इसको डेफिनेशन के तौर पर भी डिफाइन किया जा सकता है, बुक से भी लिया जा सकता है, लेकिन अगर बहुत ही सिंपल भाषा में कहें तो इट इज अ जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज एक्सट्रीमली पॉपुलर, सिंपल एंड फ्लेक्सिबल। तो ये क्या है, एक बहुत ही साधारण सी भाषा है जो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, बहुत ही ज्यादा आसान है और बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल है। फ्लेक्सिबल का यहाँ पे मतलब है कि ये बहुत ही इजी टू यूज है, इजी टू हैंडल है। इट इज मशीन इंडिपेंडेंट स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये जो सेकंड पॉइंट है ये हमें ये बताता है कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब उसे कोई पर्टिकुलर मशीन की जरूरत नहीं पड़ती हो, किसी भी सॉफ्टवेयर पे रन कराई जा सकती है। सी वॉज द बेसिक लैंग्वेज टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम ऑपरेटिंग सिस्टम दो विंडोज एंड मेनी अदर्स टू कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लाइक ओरेकल डेटाबेस, गिट, पाइथन, इंटरप्रेटर एंड मोर। तो ये जितने भी प्रोग्राम्स लिखे गए हैं, कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम, ये सी की लैंग्वेज की मदद से लिखे गए हैं। तो ये बहुत बेसिक सी जानकारी थी कि व्हाट इज सी लैंग्वेज, सी लैंग्वेज क्या है इसके बारे में। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारे दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं कि वो क्या था। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन था कि व्हाई टू लर्न सी लैंग्वेज, हमें सी लैंग्वेज क्यों पढ़नी चाहिए। तो सी एज अ मेन लैंग्वेज विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल व्हाइल स्टडिंग अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम सी लैंग्वेज को पढ़ लेते हैं और हमें सी लैंग्वेज की पहले से जानकारी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपको दूसरी लैंग्वेजेस को जैसे जावा, पाइथन हो गई, इनको सीखने में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। इट शेयर्स द सेम कॉन्सेप्ट सच एज डेटा टाइप्स, ऑपरेटर, कंट्रोल स्टेटमेंट्स एंड मेनी मोर। सी कैन बी यूज वाइडली इन वेरियस एप्लीकेशंस। इट इज अ सिंपल लैंग्वेज एंड प्रोवाइड्स फास्टर एग्जीक्यूशन। ये बहुत ही आसान लैंग्वेज है, इसके कई सारे एप्लीकेशंस हैं, कई जगह पर यूज की जा सकती है और बहुत ही तेज रिजल्ट जो आता है कोडिंग करने के बाद वो बहुत ही फास्ट होता है और बहुत ही अच्छा आउटपुट आता है। सी इज अ स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू वेरियस मॉड्यूल्स। कई बहुत ही अच्छे से डिफाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, मतलब इसको बहुत ही अच्छे से बनाया गया है। बेसिकली अगर देखा जाए तो हमारी सी लैंग्वेज तीन लैंग्वेजेस को यूज करके बनाई गई थी। तो ईच मॉड्यूल कैन बी रिटन सेपरेटली एंड टुगेदर इट फॉर्म्स अ सिंगल सी प्रोग्राम। हर मॉड्यूल को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं, ये सी खासियत है, और उसके बाद हम सी अपने प्रोग्राम को बना सकते हैं। दिस स्ट्रक्चर मेक्स इट इजी फॉर टेस्टिंग। ये जो है उसके स्ट्रक्चर को इजी बनाता है मेंटेनिंग एंड डीबगिंग प्रोसेस। तो ये हमें उसके मतलब डीबगिंग प्रोसेस को भी आसान बनाता है, उसका जो मॉड्यूल का तरीका है सी का वो डीबगिंग को भी बहुत आसान कर देता है। सी कंटेन्स 32 कीवर्ड्स, इट कंसिस्ट ऑफ 32 कीवर्ड्स, वेरियस डेटा टाइप्स, इसके पास कई सारे डेटा टाइप्स हैं, एंड अ सेट ऑफ पावरफुल बिल्ट इन फंक्शंस दैट मेक प्रोग्रामिंग वेरी इफिशियंट। और इसके पास पहले से ही बिल्ट इन फंक्शन, मतलब पहले से ही इसके पास खुद के फंक्शंस हैं जो प्रोग्रामिंग को बहुत ही अच्छा बनाते हैं, बहुत ही आधुनिक बनाते हैं। अनदर फीचर ऑफ सी प्रोग्रामिंग इज दैट इट कैन एक्सटेंड इटसेल्फ। ये अपने आप को खुद ही बढ़ा सकती है, इट कैन मतलब कहने का मतलब ये कि अपने आप को खुद ही लिंक कर सकती है। अगर इसको हम कहीं भी रन कराना चाहें या कहीं भी चेक करना चाहें कि ये कैसे काम करती है। तो सी प्रोग्राम कंटेन्स वेरियस फंक्शंस विच आर पार्ट ऑफ ए लाइब्रेरी, जो एक लाइब्रेरी के पार्ट होते हैं। वी कैन एड आवर फीचर्स एंड फंक्शन टू द लाइब्रेरी। उसमें मतलब सी की लाइब्रेरी में पहले से बहुत सारे फंक्शंस और फीचर्स मौजूद हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो उसमें अपने भी फीचर्स और फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं सी की लाइब्रेरी में। वी कैन एक्सेस एंड यूज दीज फंक्शंस एनी टाइम वी वॉन्ट इन आवर प्रोग्राम। और हम इन फंक्शंस को कभी भी कहीं भी यूज करते हैं कर सकते हैं जब भी हम चाहेंगे उसको अपने प्रोग्राम में यूज करने। दिस फीचर
मेक्स इट सिंपल वाइल वर्किंग विद कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग। और इसी फीचर्स की वजह से, इसी फीचर के कारण सी लैंग्वेज जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग को बहुत आसान बना देती है। तो आइए चलिए आगे देखते हैं कि हमारा तीसरा क्वेश्चन जो था वो क्या था कि व्हाट और वेयर इज द यूज और इम्पोर्टेंस ऑफ सी लैंग्वेज। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि हम जैसे कोई भी चीज़ हम पढ़ते हैं तो उसका अप्लीकेशन कहीं ना कहीं होना चाहिए, तभी उसके पढ़ने का फ़ायदा होता है, वरना उस चीज़ का कोई यूज़ नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि इसका यूज़ मैंने बहुत ही लिमिटेड चीज़ों को लिया है, जो ज़्यादातर देखी जा सकती है कि सी का लैंग्वेज कहाँ, सी लैंग्वेज का यूज़ कहाँ कहाँ पर हो सकता है। तो डेटाबेस सिस्टम में हो सकता है इसका यूज़, ग्राफिक पैकेजेस में हो सकता है, वर्ड प्रोसेसर में हो सकता है, स्प्रेडशीट्स में कर सकते हैं हम लोग, ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलपमेंट में, ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने में भी कर सकते हैं, कंपाइलर और असेंबलर्स को बनाने में भी कर सकते हैं, नेटवर्क ड्राइवर्स को बनाने में कर सकते हैं, और इंटरप्रेटर्स को तो बनाया ही जाता है सी लैंग्वेज की मदद से। तो आइए चलिए आगे देखते हैं जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि व्हाट आर द करियर अपॉर्चुनिटीज दैट यू कैन गो फॉर आफ्टर लर्निंग सी लैंग्वेज। तो ये सबसे मेन क्वेश्चन है, क्योंकि कोई भी पढ़ाई पूरी करने के बाद हम लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि इसको पढ़ने के बाद हमारी जॉब ये करियर कैसा होगा और उसको किस फील्ड में हम जा पाएंगे। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो आइए चलिए इसको डिस्कस करते हैं। मेजरली यू विल गेट अपॉर्चुनिटी टू वर्क फॉर द सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग और एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग। तो आपको या तो सिस्टम लेवल प्रोग्रामिंग के लिए जॉब मिल सकती है या एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग के लिए, कई सारे एप्लीकेशन बनाने के लिए। सेकेंड पॉइंट इज दैट यू मे गेट वर्क इन एम्बेडेड सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम में आपको वर्क मिल सकता है, या फिर विच इन्वॉल्व द वर्क रिलेटेड टू डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर फॉर डिफरेंट हार्डवेयर और फॉर द प्रोडक्ट्स। ओके, तो आपको कभी भी किसी भी रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको सॉफ्टवेयर बनाने का काम भी मिल सकता है। तीसरा पॉइंट जो है, डिफरेंट रोल्स इन्वॉल्व फॉर द पर्सन हु वर्क्स इन सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री ऑन सी लैंग्वेज प्रोग्रामिंग बेस्ड ऑन डेवलपमेंट, डेवलपमेंट इंजीनियर, फर्मवेयर इंजीनियर, एप्लीकेशन इंजीनियर, टेस्ट इंजीनियर, इंटीग्रेशन इंजीनियर, वैलिडेशन इंजीनियर। तो ये कई तरीके के इंजीनियर होते हैं जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते हैं सी लैंग्वेज के डेवलपमेंट में, तो इनकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है और इनकी सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। इंडस्ट्रीज विच वर्क कौन सी, मैं कुछ इंडस्ट्रीज के नाम बताना चाहूँगा जो सी लैंग्वेज पे काम करती हैं बहुत ज़्यादा। तो मोबाइल, पहली इंडस्ट्री थी सबसे ज़्यादा मोबाइल की है जो हम लोग के ज़्यादा से ज़्यादा सी लैंग्वेज पे काम करती है। दूसरी ऑटोमेशन की है, तीसरी ऑटोमोटिव की है, चौथी कम्युनिकेशन की है, और पांचवी जो है वो सेमीकंडक्टर की है। यू कैन गेट अपॉर्चुनिटी वर्क एट इंटेल, फिलिप्स, बोश और फ्री स्केल। ये कुछ कंपनीज हैं जिसमें आपको अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है सी लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से पढ़ने के बाद, उसमें मास्टरी करने के बाद। और बोस जो है वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एंड यू कैन बी पार्ट ऑफ इट इफ यू आर गुड इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो ये पॉइंट मुझे इंटरनेट से मिला था कि अगर आप बहुत अच्छे हैं सी लैंग्वेज में, आपकी बहुत अच्छी कमांड है सी लैंग्वेज में, तो आप जो है बोस कंपनी में अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज के समय पर जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेस का ऑलरेडी डेवलपमेंट हो रखा है, मल्टी लर्नर्स हैं, क्योंकि मल्टी लैंग्वेज लर्नर्स कह सकते हैं बल्कि हम लोग, क्योंकि एक लैंग्वेज से आज किसी का भला हो नहीं रहा है, तो कई स्टूडेंट्स या कई लोग ऐसे हैं जो मल्टी लैंग्वेज को लर्न करके अपना जॉब अप्लाई करते हैं और बहुत मास्टर हैं उन लैंग्वेजेस में। तो काफ़ी टफ कॉम्पिटिशन है जिसकी वजह से आपको सी लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे से पढ़ना होगा, ताकि इसके आगे जो भी लैंग्वेज आप पढ़ें वो आपको काफ़ी अच्छे से समझना है। तो ये मैं इस वीडियो से यही आपको समझाना चाहता हूँ कि सी लैंग्वेज बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसका इंडस्ट्री में भी बहुत मेजर रोल है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।